सबसे पहले नमस्ते प्रणाम हर महादेव समस्त प्रक्रिया जहाँ के सारे प्रणाम जितने भी हमारे मीडिया से भाई बहन आए हैं सबको हमारे सारा प्रणाम स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम लोग बैठे थे स्टूडियो में तो इन्होंने बोला कि मुझे इस गाने को करते हैं क्यों बहुत प्यार है इस गाने को करते हैं ज़्यादा समय नहीं दिया इन कम ही समय में जो हमने किया वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आया और महेश शर्मा सर ने जो वीडियो में दर्शाया वो तो अद्भुत है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको कि आप इसी अंदर हमको बैठा कर बुलवा रहे हैं और भविष्य में हम लोग इससे भी बड़ा बड़ा काम करेंगे। अभी तक जितने भी गाने आए हैं भोजपुरी में उसका एक पैटर्न रहा है लेकिन हम लोगों ने इस बार कुछ नया करने की कोशिश किया और बहुत ही कम समय में रिलीज हो रहा है तो विजय जी से पूछते हैं कि उनका ये जो थॉट है इस सॉन्ग को लेके कैसे मतलब सुबह 4 बजे आपने कंपोज किया और कैसे इस चीज़ को हम लोग लेके आए इसके बाद हम लोग आपको एक बार दिखाएंगे इस गाने को और आप लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने खूबसूरत कोशिश की है कि भोजपुरी को एक नई दिशा देने की और दर्शकों का प्यार सुबह से बहुत अच्छा मिल रहा है और वीडियो भी हमने यही शूट किया है और मैं शिल्पी जी तो आज के डेट में भोजपुरी में एक नया आयाम उन्होंने स्थापित किया है किसी भी संगीत या किसी भी फिल्म बिजनेस में एक पुरुष प्रधान क्षेत्र है तो पुरुष प्रधान क्षेत्र में होते हुए जो शिल्पीराज ने आज नाम कमाया है और इस तरीके से ग्लोबल चार्ट पे हमेशा नंबर 2 या 3 पर रहती है और पूरे इंडिया में जिस तरीके से इनके फैन फॉलोइंग हैं तो इनके जॉनर का अलग अलग था हमने बट जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है सुबह 4 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं इतना खाना खाए तो ज़रा एक्सपीरियंस बताइए शिल्पी जी कैसे आपको कैसा लग रहा था कि हम लोग मतलब इतना ज़बरदस्ती आपको बोल रहे थे कि जब तुरंत कर रहे हैं कैसा ज़रा एक्सपीरियंस रहा सबसे पहले सभी को सभी का स्वागत है और हम तो दिन भर रिकॉर्डिंग करते रहते हैं अलग स्टूडियो में किसी दूसरे स्टूडियो में गए थे गाने के लिए फिर यहाँ सर के स्टूडियो में आए तो देखिए अरे इतना प्यारा सॉन्ग और अचानक ही मुझे मिलता है तो सामने आया गाना और बहुत ही प्यारा लगा गाना हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है बाकी हमारे ऑडियंस जो है आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग भी सुने हैं आप लोग बताएंगे कैसा लगा और कमेंट के जरिए जो लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वो लोग बताएंगे और अचानक पता नहीं कहाँ कहाँ से म्यूजिक भी तुरंत आ गया प्यारा म्यूजिक भी आ गया इसका जो म्यूजिक दिया है मेरे परम मित्र हैं सज्जाद जी वो बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो उनके जो बेटे हैं तो उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो पियानिस्ट में और बहुत बड़े अरेंजर हैं तो ये पहला सॉन्ग हमने जो क्रिएट किया जी एम एफ से एक म्यूजिक डायरेक्टर बॉलीवुड से रिक्वेस्ट करके लाया और अभी जब हम लोग आपको सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके का उसका म्यूजिक है वो एक टिपिकल जो हम लोगों को सुनने मिलता है वो नहीं मिलेगा वो भी लेकिन विजय का सपोर्ट था कि वो एक दिन के अंदर सारा का सारा म्यूजिक बन के तैयार हो गया और जिस तरीके से हम लोग फीचर कर रहे थे विजय अपने लोग बोले बहुत कॉन्शियस थे वो परेशान थे और आई थिंक शिल्पी रावत ने जबरदस्त काम किया जिस तरीके का एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है तो बेसिकली सभी लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं इस गाने में तो रावत जी कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस गाने में सबसे पहले आप सभी को प्रणाम मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी तक मैं बहुत सारा गाना शूट किया हूँ यहाँ पे और जगह पर भी हूँ लेकिन ये गाना मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट गाना है करने के लिए और ये गाना गाने मेहनत किए हैं सुबह 6 बजे तक हम शूट कर रहे थे इसी ठंड में और इतना अच्छा इतना प्यारा लाइन है गाने में और मुझे इतना अच्छा लिखे हैं इसको इसका म्यूजिक इतना प्यारा है जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद बहुत ही अच्छा गाना है और हम लोग के जो बद्री सर हैं बद्री सर मेरे को इतना मतलब है कि इतना अच्छा मेरा ड्रेस और विजय जी का ड्रेस सब कॉम्बिनेशन करके हम लोग को ड्रेस दिए इतना जल्दी रहने में सारा सरकार ही दे रहे हैं कि हम लोग इतने अच्छे दिख रहे हैं वीडियो में और इतना प्यारा वीडियो बन के आया है तो थैंक यू सो मच सर आपको देते दिलावा में तो होके बसवले रहे
उड़ानी के छाँव में छुपा ले गई भाग मोर जागो है, भाग मोर जागो है, दुख सब दूर भागो है, दुख सब दूर भागो है, आई अमरो मरिया जा तोहे के लागो है, आई अमरो मरिया जा तोहे के लागो है। नमस्कार, मैं आप सभी भोजपुरी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि मैं जमशेदपुर से हूँ और बहुत कुछ दिया है इस शहर ने और इस शहर के लोगों ने जिस तरीके से मुझे प्यार पिछले 2 सालों में दिया है और उसी का ये फल है कि आज मैं इस काबिल बन सका कि जमशेदपुर म्यूज़िक फैक्ट्री की शुरुआत हमने यहाँ से की है और शुरुआत हमने भोजपुरी से की है और जिस तरीके का सपोर्ट मुझे शहर से मिल रहा है, आप लोगों से मिल रहा है, पूरे प्रेस क्लब को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि एक आवाज़ पे मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं और ये एक बहुत ही मतलब जैसे मुझे हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ कहा है कि आपको चेंज कीजिए, नया पैटर्न लेके आइए, तो ये पैटर्न मैं बिल्कुल मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं इस गाने को, कहीं पर भी बजा सकते हैं और ये आपको लगेगा कि हाँ ये भोजपुरी एक दूसरे लेवल पे जा रहा है जहाँ पे सॉफ्टनेस है। अगर आप विजय जी को देखेंगे, अगर आप शिल्पी जी को देखेंगे, शिल्पी राघवानी को देखेंगे, तो इन सब ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस गाने के साथ जस्टिस करने की कोशिश की है। शफात अली जो म्यूज़िक डायरेक्टर है इस गाने के, बहुत कम एज का बच्चा है, 20 साल के बच्चे ने अगर इतना प्यारा गाना बना कर दिया है हम लोगों को एक दिन के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको मुझे ऐसा लगता है कि ये लिखा हुआ था। आई थिंक 18 घंटे का शिफ्ट था इस गाने का, सुबह 7 बजे तक शूट पैकअप हुआ है और इस ठंड में आउटडोर का गाना है आप देख सकते हैं और बहुत ही ये शूटिंग का बस यही मेरे यही पीछे ये जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री में ही शूट हुआ है वो जो पैचेस हैं यहाँ शूट हुए और जो आउटसाइड है वो बाहर जो हमारा वो पैसेज है वहाँ पे किया है तो लेकिन हाँ ये है कि वहाँ पे इतना एफर्ट हम लोग डालते हैं कि वो एक सेट बहुत ही यूनिक दिखता है जो आपको नहीं समझ में आया, जैसे आपने राइटली कहा कि हुआ कहाँ है तो ये और ये फेमस भी है गली के नाम पूरे इंडस्ट्री में गली के नाम से फेमस है कि जब जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री के बैक साइड में जादू चलता है और मैं चाहूँगा भगवान इस जादू को कंटिन्यू रखें। नया प्रयास